फॉल सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ्स में से मैथ्स क्लास 10 सिलेबस में से कौन से कौन से चैप्टर्स आएंगे और उनमें से कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं सो फर्स्ट लेट स्टार्ट विद मैथ्स सो फ्रेंड्स मैथ्स में टोटल 15 चैप्टर्स हैं ठीक है इन द एनसीईआरटी वी आर हैविंग 15 चैप्टर्स अब देखते हैं स्टार्ट uh, करते हैं फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर तो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स हमारी क्लास 10th बुक का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स अब जो से टॉपिक्स रिड्यूस हुए इस चैप्टर में से वो मैंने यहाँ पर एरो डालकर लिख दिए हैं सो रियल नंबर्स वाले हमारे चैप्टर में से दो टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं फर्स्ट वन इज यूक्लिड्स डिविजन लेमा सो दिस वन इज द फर्स्ट टॉपिक एंड दूसरा टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स तो जैसा कि आपने देखा होगा कि चैप्टर नंबर वन में जो एक्सरसाइज एक्साइज है वो पूरी डिवीजन पर ही बेस्ड है तो ये हमारा टॉपिक रिड्यूस हो गया मतलब इसके इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक है ऐसे ही ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स थे वो वाला जो पूरा पार्ट है वो पूरा हमारा रिड्यूस हो गया है सो तो रियल नंबर्स में से ये टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं चैप्टर नंबर टू है पॉलिनोमियल्स polynomial. so, में से एक टॉपिक रिड्यूस हुआ है विच इज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल्स तो जो लास्ट वाली एक्साइज थी ना 2.5 डिवीजन एल्गोरिथम वाली जिसमें आप पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हो तो ये वाला जो टॉपिक है ये रिड्यूस हो गया ठीक है सो पॉलिनोमियल में से रिड्यूस हो गया अब चैप्टर नंबर थ्री है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो इस चैप्टर में से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड रिड्यूस हो गया देखो तीन मैथड होते हैं जो पेयर ऑफ लीनर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के तीन मैथड होते हैं एक होता है एलिमिनेशन मैथड सब्सिट्यूशन मैथड और तीसरा होता है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड को रिड्यूस कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से अब आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं जो बाकी के दो मैथड हैं सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन मैथड उनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे

तीन मेथड होते हैं एक होता है फैक्टराइजेशन दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और तीसरा होता है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो ये एक मेथड इन्होंने रिड्यूस कर दिया तो अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो वो आप फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करोगे ओके सो दिस इज रिड्यूस्ड चैप्टर नंबर फाइव अरेथमेटिक प्रोग्रेशन में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है ये पूरा का पूरा चैप्टर आएगा सो so, कोई भी टॉपिक इस चैप्टर में से रिड्यूस नहीं हुआ चैप्टर नंबर है हमारा ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स में से क्या रिड्यूस हुआ है चैप्टर में से थ्योरम 6.7 पूरी रिड्यूस हो गई है और थ्योरम 6.6, 6.8 और 6.9 का प्रूफ हट गया मतलब आपको इन थ्योरम्स को प्रूव नहीं करना है ठीक है बहुत ही ध्यान से अटेंशन पे करो कि क्या क्या टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं अगर अभी ने अभी आपने इनको अच्छे से नहीं समझा तो आगे आपको कंफ्यूजन रहेगी और फिर हो सकता है आप तैयारी अच्छे से ना करो और आपके मार्क्स कट जाएं सो so, अभी ध्यान रखो कि कौन से कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं उनमें से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे और जो बचा है उसको अच्छे से पढ़ो एंड देन यू कैन यू विल स्कोर वेल इन योर एग्जाम्स सो so, देखो थ्योरम सेवन सिक्स पॉइंट सेवन तो पूरी रिड्यूस हो गई उसमें उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन थ्योरम सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स पॉइंट एट और सिक्स पॉइंट नाइन जो है इनका सिर्फ प्रूफ रिड्यूस हुआ मतलब आपको इन थ्योरम्स को प्रूव नहीं करना है इन पर बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे बस इनको प्रूफ नहीं करना है ठीक है समझ आया अब बात करते हैं चैप्टर नंबर सेवन की तो चैप्टर नंबर सेवन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक रिड्यूस हो गया तो जो लास्ट वाला टॉपिक है ना जो लास्ट एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्रायंगल वो वाला टॉपिक इन्होंने रिड्यूस कर दिया ठीक है चैप्टर नंबर एट है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है ये पूरा चैप्टर आएगा और ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री तो अगर आप आगे इलेवंथ में या ट्वेल्थ में मैथ्स लेने वाले हो तो मैथ्स में तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इस चैप्टर में से कुछ भी इन्होंने रिड्यूज़ नहीं किया ये पूरा चैप्टर आएगा ठीक है तो आप इसको भी नोट कर सकते हो अब चैप्टर एट के बाद आता है चैप्टर नंबर नाइन तो चैप्टर नंबर नाइन ट्रिग्नो ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड है पर इसमें एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री ये सम्प्लीकेशनस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री को हम रियल लाइफ में यूज़ करेंगे तो इस चैप्टर में से भी कुछ नहीं रिड्यूज़ हुआ है ये भी पूरा चैप्टर आएगा अब चैप्टर नंबर टेन सर्कल्स है ये भी पूरा ही चैप्टर आएगा बहुत ही छोटा चैप्टर है तो दो इसमें थ्योरम्स हैं ठीक है वो आपको करनी है उनका प्रूव आना चाहिए तो चैप्टर नंबर सर्कल्स जो है ये भी पूरा आएगा अब चैप्टर इलेवन है कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन चैप्टर आपको पूरा का पूरा ही रिड्यूस हो गया जिन चैप्टर के आगे ये रेड क्रॉस लगा है उसका मतलब है कि वो चैप्टर पूरा रिड्यूस हो गया तो कंस्ट्रक्शन आपका पूरा ही हटेगा तो टोटल 15 चैप्टर है हमारी मैथ की बुक में एक चैप्टर तो पूरा ही हट गया मतलब आपके पास 14 चैप्टर बचे और उन 14 चैप्टर में से भी बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक्स तो इन्होंने रिड्यूस कर ही रखे हैं ओके okay, सो so ये बहुत बड़ा रिलीव है हमारे लिए नाउ चैप्टर नंबर 12 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल ये भी पूरा चैप्टर आएगा इसमें से भी कुछ रिड्यूज नहीं किया इन्होंने वेरी नाइस देन चैप्टर नंबर थ्री सर्फिस एरियाज एंड वॉल्यूम सो सर्फिस एरियाज वॉल्यूम में टोटल थर्टीन पॉइंट फाइव एक्साइज पाँच एक्साइज हैं और जो लास्ट वाला टॉपिक है वो फ्रस्टम ऑफ कौन है ये वाला टॉपिक इन्होंने रिड्यूस कर दिया तो ये लास्ट टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कौन ये इन्होंने रिड्यूस कर दिया ठीक है हाँ सॉरी थर्टीन थर्टीन पॉइंट फोर चार एक्साइज हैं थर्टीन चैप्टर में तो जो थर्टीन पॉइंट फोर एक्साइज है वो भी आपकी हट गई क्योंकि वो फ्रस्टम ऑफ कौन पर ही बेस्ड है तो ये टॉपिक आपका रिड्यूस हो गया चैप्टर नंबर फोर है स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स में से इन्होंने क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ को रिड्यूस कर दिया तो लास्ट वाला जो टॉपिक है आपका वही है कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ होता है तो वो इन्होंने हटा दिया सो so, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस नहीं करने और चैप्टर 14 के बाद जो लास्ट चैप्टर है वो होता है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी पूरा है इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत इजी चैप्टर है इसमें से क्या रिड्यूस करेंगे सो so, ये पूरा चैप्टर आएगा ठीक है सो आई होप आपको मैथ्स का पूरा सिलेबस अच्छे से क्लियर हो गया है कि कौन से कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं सिर्फ एक ही चैप्टर पूरा रिड्यूस हुआ है विच इज कंस्ट्रक्शन और बीच बीच में से इन्होंने चैप्टर के बीच में से कुछ कुछ टॉपिक्स को वैसे भी रिड्यूस कर रखा है ठीक है तो ये आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस था और फ्रेंड्स ये जो पूरा मैथ्स का सिलेबस है ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनके वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इन सारे चैप्टर्स के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एंड यू विल गेट ऑल द कंटेंट ऑफ मैथ्स सिलेबस ऑन दिस चैनल और मैंने इन सारे चैप्टर्स की पहले भी वीडियो सारे अपलोड किए हुए हैं और आप सभी के लिए 2022-23 बैच के लिए भी मैं दोबारा वीडियोस अपलोड करूंगी सारे चैप्टर्स के एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी चैप्टर इन अ वेरी इजी वे ताकि आप अपने मैथ्स के एग्जाम में पूरा अच्छे से स्कोर कर पाओ ओके सो so ये हमने मैथ्स के सिलेबस के बारे में देख लिया अब आप इसको नोट भी कर सकते हो एंड जस्ट नाव यू हैव टू स्टडी दिस सिलेबस जो रिड्यूस हो गया उसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी जो आपके पास बचा है सिलेबस उसी में से आपका एग्जाम आएगा सो नाउ फोकस ऑन दिस